हेलो फ्रेंड्स, विभोरानंद इन लाइव सेशन टोल्ड अस द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज इन जेल एंड एज वेल एज जेल क्वारंटाइन सेंटर. नाउ लेट अस हियर द एक्सपीरियंसेस ऑफ विभोरानंद इन जेल एंड व्हाट ऑल ही सफर्ड बाय विभोरानंद्स वॉइस इटसेल्फ. तक प्लीज कुछ ऐसा मेरे लिए मत कीजिएगा जो आपको सहना पड़े. मैं सह सकता था. मैंने बड़े बड़े क्रिमिनलों को देखा है उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कि भाई अब कोई क्राइम नहीं करेंगे. 800 लोग 6 कमरों में होते थे. 800 लोग वहां पे पैर फैलाना एक लग्जरी होता था जो सिर्फ आखिरी 4 दिनों में मिलता था. अगर पैर फैला लिए या तो गैंग वाले मारेंगे या बाकी के कैदी भी मारेंगे. तो उन्हें हमारे को टांग कैसे मार दी. 200 स्क्वेयर फीट का कमरा था मेरा. यहाँ पे 60 लोग थे. ऑन एन एवरेज 3.5 फीट एक बंदे को मिलता था सोने के लिए. तो सोचिए मैंने क्या साहब, साहिल चौधरी, समीर ठक्कर, अर्नब गोस्वामी, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा. लॉकअप में था ना, बैंडर लॉकअप में सुखी था. हमसे सोने की जगह तो मिलती थी. 800 बंदों में से उनके लिए सिर्फ 3 टॉयलेट होते थे. सिर्फ 3. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टफ था. 11 दिन मैं था उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, गोखले स्कूल के अंदर. सबको पता है 11 में से 7 दिन मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि टॉयलेट जाना पड़ सकता था. नहाना एक लग्जरी होती थी, बहुत बड़ी लग्जरी. उन 11 दिनों में से एक भी दिन नहीं नहाया हुआ. पानी नहीं होता था. यहाँ पीने के लिए 15-15 घंटे हमें पानी नहीं मिलता था. आप सोचिए कि हमारे साथ के पीने का पानी ले जाते थे. तो आज भी मेरी टांग पे निशान है डंडे का. मैंने डंडा खाया भाई पानी के लिए. और ये सब हुआ जुडिशियल कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं हुआ. ये कोर्ट की कस्टडी में हुआ है. मैं वेट कर रहा था कि कब मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग हो और मैं उन्हें बताऊं कि माय लॉर्ड इट इज हैपनिंग इन योर कस्टडी नॉट इन पुलिस कस्टडी. बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं हुई डिस्पाइट द फैक्ट कि 14 दिन में नेसेसरी है. हर 14 दिन के अंदर मुझे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था. मेरे को नहीं, बहुतों को. हमें नहीं किया गया. मेरी हियरिंग 31 अक्टूबर की थी कोर्ट के अंदर. ना हमें ले जाया गया, ना हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई. तो देयर वर लॉट ऑफ लूपहोल्स जिसके बारे में मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करूंगा. मेरे लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए जो गोखले स्कूल में पथेटिक कंडीशंस में रहते.